डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम फिनोल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे जिसमें फर्स्ट रिएक्शन थी फिनोलिक ओएच के कारण अभिक्रियाएं, जिसमें सिक्स रिएक्शन हो गई थी। तो देखो नंबर सेवन रिएक्शन इसमें बेंजोइलीकरण है, बेंजोइलीकरण। देखो बेंजोइल समूह का जुड़ना ही क्या कहलाता है, बेंजोइलीकरण। ठीक, तो देखो फिनोल की क्रिया C6H5OH फिनोल, इसकी क्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ करा दो, C6H5 C डबल बॉन्ड में O CN, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक, देखो H प्लस यहां से CN माइनस ऐसे क्या बाद में जाएगा HCl, क्या बनेगा C6H5O C डबल बॉन्ड में O C6H5 और प्लस क्या H प्लस यहां से Cl माइनस यहां से HCl। ठीक, इसका नाम है फिनिल बेंजोएट, फिनिल बेंजोएट। ठीक, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। ठीक, तो फिनोल की क्रिया, फिनोल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ पीडीन की उपस्थिति में कराने पर, ठीक, फिनोल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ पीरिडीन की उपस्थिति में कराने पर फिनिल बेंजोएट बनता है, फिनिल बेंजोएट बनता है। ठीक, नंबर एट है इसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। देखो फिनोल का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर पैरा बेंजो क्विनोन बनता है, फिनोल का ऑक्सीकरण, ये फिनोल है, फिनोल OH, यहां पर H उपस्थित है, फिनोल का ऑक्सीकरण O, ठीक, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक, देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन याद दे रहे तो डबल बॉन्ड, ये अपने इलेक्ट्रॉन याद दे रहे डबल बॉन्ड, यहां पर ये, यहां पर ये O यहां जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड में O, एक एच यहां से दो एच, और वो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा H2O, तो दो लगा तो यहां क्या बनेगा तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड में O, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए तो डबल बॉन्ड में, और ये डबल बॉन्ड में O और प्लस, ठीक, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा डबल बॉन्ड में O, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड में O प्लस एक एच हीरा एक एच दो एच O यहां से H2O, इसका नाम है पैरा बेंजो क्विनोन, पैरा बेंजो क्विनोन। ठीक, तो फिनोल का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर पैरा बेंजो क्विनोन बनता है, तो फिनोल का ऑक्सीकरण
फिनोल का ऑक्सीकरण क्रोमिन क्लोराइड है, क्रोमिन क्लोराइड है, ठीक। फिनोल का ऑक्सीकरण क्रोमिन क्लोराइड है की उपस्थिति में कराने पर, फिनोल का ऑक्सीकरण क्रोमिन क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर पैरा बेंजो क्विनोन बनता है, पैरा बेंजो क्विनोन बनता है, ठीक। नेक्स्ट, दूसरी विक्रिया इसमें कौन सी, बेंजीन वलय के कारण विक्रिया है बी, बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं हैं, बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं, ओके। देखो देखो, फिनोल ऑर्थो में पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ऋणावेश आता है। हमने फिनोल की अनुनादी संरचनाएं पढ़ी थी, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन कहां पर होगा, ऑर्थो व पैरा पर। आपको पता है इलेक्ट्रोस्नेही पर कैसा चार्ज आता है प्लस, और इलेक्ट्रोस्नेही वहां जुड़ता है जहां पर कैसा चार्ज हो माइनस, ठीक ठीक है। तो फिनोल ऑर्थो है पैरा स्थिति पर, फिनोल ऑर्थो है पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रोस्नेही, फिनोल ऑर्थो है पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रोस्नेही, इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन, फिनोल ऑर्थो है पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ठीक। फिनोल ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में, क्योंकि फिनोल की, क्योंकि फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में, क्योंकि फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, ठीक, क्योंकि फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ऋणावेश आता है, ऋणावेश आता है, ठीक। तो देखो इसमें पहले विक्रिया है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण एनो टू समूह का जुड़ना ही क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण। पहली विक्रिया नाइट्रीकरण, देखो फिनोल की क्रिया तनुवचनों थी वह तनुवचन सोपोर के साथ कम ताप जैसे 298 केल्विन ताप पर कराने से ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है, ठीक। तो देखो फिनोल की क्रिया, ये फिनोल है OH, ठीक, फिनोल की क्रिया, ठीक है, तन्वचनो थ्री HONO डाइल्यूट, तनो HNO3 और किसकी उपस्थिति में, तनो H2SO4, H2SO4
अब आपको पता है यहाँ पर H उपस्थित है, ये माइनस और ये प्लस, H प्लस ये माइनस, H प्लस यहाँ से OH माइनस ऐसे क्या बाहर निकल जाएगा H2, और NO2 प्लस क्या आ गया इलेक्ट्रॉन इस नहीं, तो क्या बनेगा ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH और ये NO2, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्लस, देखो पैरा पर H यहाँ से OH यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा H2, और ये बेंजीन रिंग यहाँ पर OH और यहाँ पर NO2 प्लस 2H2O, 2H2O संतुलित कर लो, दो यहां लगा दो, दो यहां पर, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसका पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक, कम ताप 298 केल्विन ताप, ठीक है, तो फिनोल की क्रिया तनुचर थ्रीप है तनु एस्टर संपर्क के साथ 298 केल्विन ताप पर कराने से ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है, ठीक, तो फिनोल की क्रिया, फिनोल की क्रिया तनुचर थ्रीप व तनु H2SO4 के साथ, फिनोल की क्रिया तनु H2SO3 व तनु H2SO4 के साथ 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर कराने से ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है, ऑर्थो व पैरा नाइट्रो फिनोल बनता है, ठीक। अब देखो फिनोल की क्रिया सांद्रचनो थ्री में सांद्र एस्टरसो फोर के साथ कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है। अब यदि सांद्रचनो थ्री हो तो ये फिनोल है OH प्लस HONO2 कंसंट्रेट HNO3, ठीक, और कौन सा कंसंट्रेट H2SO4, ये माइनस और ये प्लस, सांद्र HNO3 है तो तीनों स्थितियों पर नाइट्रीकरण होगा, दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर, तो H यहां से OH यहां से H2, फिर H यहां से OH यहां से H2, फिर H यहां से OH यहां से H2, तो 3HNO3, तो क्या बनेगा ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH ये लगा दो NO2, NO2, ठीक, और यहाँ पर क्या NO2 प्लस 3H2, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, ठीक, तो फिनोल की क्रिया सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर पिक्रिक एसिड बनता है, इसका सामान्य नाम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल, ठीक, तो फिनोल की क्रिया सांद्र HNO3 वह सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर पिक्रिक एसिड बनता है, पिक्रिक एसिड बनता है, और देखो पिक्रिक एसिड में तीन NO2 समूह का प्रबल माइनस आयनिक प्रभाव होने की वजह से ये प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, ठीक। दूसरी है इसमें सल्फोनीकरण,
दूसरी रिएक्शन है सल्फोनीकरण। नंबर दो, देखो सल्फोनिक समूह का जुड़ना ही क्या कहलाता है, सल्फोनीकरण। तो फिनोल की क्रिया, ये फिनोल है, सल्फोनीकरण कहां पर होगा, ऑर्थो है पहला पर, प्लस HOSO3H, क्या है ये कंसंट्रेट H2SO4। आपको पता है ये माइनस और ये प्लस, H उपस्थित है H प्लस और ये माइनस, H प्लस यहां से OH माइनस से क्या बाहर निकल जाएगा H2, SO3H यहां जुड़ जाएगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक, यहां पर OH और ये SO3H प्लस, फिर H प्लस यहां से OH माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा H2, SO3H यहां जुड़ जाएगा प्लस, प्लस क्या 2H2O, 2H2 संतुलित कर लो, यहां दो लगा दो, यहां पर दो, ठीक है। तो इसका नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मुख्य क्रियात्मक समूह सल्फोनिक एसिड है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक। तो फिनोल की क्रिया सांद्र H2SO4, फिनोल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर, फिनोल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी, ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, सल्फोनिक एसिड बनता है, ठीक। तो फिनोल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, ठीक। नंबर तीन है इसमें रिडल का प्रतिक्रिया, क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एसिटिलीकरण व एसिटिलीकरण। तो यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ठीक। फर्स्ट इसमें एसिटिलीकरण, एल्किलीकरण। देखो एल्किल समूह का जुड़ना ही क्या कहलाता है, एल्किलीकरण। एल्किल समूह का जुड़ना ही एल्किलीकरण कहलाता है। तो देखो फिनोल की क्रिया, जैसे फिनोल है यहां पर OH, इसकी क्रिया एल्किल एल्काइल के साथ करा दो, CH3Cl किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3, यहां पर H, ये माइनस और ये प्लस, H प्लस होता है यहां पर माइनस, H प्लस यहां से Cl माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा HCl, ठीक। यहां पर OH और यहां क्या जुड़ जाएगा
सी एस थ्री प्लस ए कहां पर एच यहां से सी एन यहां से एस सी एन ओ एच और ये सी एस थ्री प्लस टू एस सी एन यहां टू लगा दे यहां इसका नाम है ऑर्थो क्रिसोल और ये क्या हो गया पैरा क्रिसोल और एल्किल समूह का जुड़ना ही क्या कहलाता है एल्किलीकरण ठीक तो फिनोल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थो व पैरा क्रिसोल बनता है ठीक बी है इसमें एसिडीकरण एसिडीकरण ठीक एसिडीकरण एसिडिक समूह का जुड़ना ही क्या कहलाता है एसिडीकरण तो देखो फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने फिनोल यहां पर OH उपस्थित है तो ये NH है एसिटिल क्लोराइड के साथ प्लस CH3 C डबल बॉन्ड में O Cl एसिटिल क्लोराइड ठीक किसकी उपस्थिति में निर्जल AlCl3 ये माइनस और ये प्लस H प्लस यहां से Cl माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा HCl क्या बनेगा बेंजीन रिंग यहां पर OH C डबल बॉन्ड में O CH3 एक कहां पर पैरा पर एच यहां से सी एल यहां से एस सी एल बाहर निकल जाएगा पैरा पोजीशन में जुड़ जाएगा ये बेंजीन रिंग यहां पर ओ एच और सी डबल बॉन्ड में ओ सी एस थ्री और प्लस टू एस सी एल यहां कितने लगा दो टू तो यहां पर भी ठीक देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल और इसका पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल तो फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ एसिटिल क्लोराइड के साथ फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थो व पैराहाइड्रोक्सी ऑर्थो व पैराहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनता है एसिटोफिनोन बनता है ठीक नंबर फोर्थ है इसमें ब्रोमिनीकरण है BR2 के साथ कराना
बी आर बी आर फिनोल की क्रिया ब्रोमिन के साथ बी आर बी के साथ, ठीक। सी एस टू कार्बन डाइसल्फाइड या सी सी एल फोर की प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक। कम ताप पर 273 केल्विन ताप पर तो एच यहां से बी आर यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, एच बी आर, ठीक। ये बेंजीन रिंग यहां पर ओ एच और ये जोड़ दिया बी आर। एक कहां पर, पैरा पर, ये ओ एच और ये बी आर प्लस टू एच बी आर। ऑर्थोब्रोमोफिनोल, ऑर्थोब्रोमोफिनोल एंड ये क्या है, पैराब्रोमोफिनोल, ठीक। तो फिनोल की क्रिया, फिनोल की क्रिया बी आर टू के साथ अक्रिय विलायक जैसे कार्बन डाइसल्फाइड CH2 या CCl4 की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थो व पैरा ब्रोमो फिनोल बनता है, ठीक। अब देखो फिनोल की क्रिया ब्रोमीन जल के अधिकी के साथ कराने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनता है। फिनोल की क्रिया ब्रोमीन जल के अधिकी के साथ कराने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनता है। तो देखो फिनोल की क्रिया, ये फिनोल है OH, इसकी क्रिया Br2 के साथ करा दो, ब्रोमीन जल का अधिक है, अधिक। तो फिनोल की क्रिया ब्रोमीन जल के अधिक के साथ कराने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल का सभी टॉक्सिक बनता है। ब्रोमीन जल का अधिक है तो तीनों स्थितियों पर अग्रजनिकरण होगा, दोनों ऑर्थो पर और कहां पर, पैरा पर। तो 3H यहां से 3Br यहां से 3HBr बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक। यहां पर क्या OH Br Br ये Br, ठीक, प्लस 3HBr या 3 लगा दो 6Br हो गए ना, तो क्या बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, इसका समय तो अच्छे बनता है, समय तो अच्छे, ठीक। तो फिनोल की क्रिया, फिनोल की क्रिया ब्रोमीन जल के, ब्रोमीन जल के अधिकी के साथ कराने पर, फिनोल की क्रिया ब्रोमीन जल के अधिकी के साथ कराने पर, ठीक, फिनोल की क्रिया ब्रोमीन जल के अधिकी के साथ कराने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल का सवेद अवक्षेप बनता है, का सवेद अवक्षेप बनता है, ठीक। तो फिनोल की क्रिया ब्रोमीन जल के अधिक के साथ कराने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल का सवेद अवक्षेप बनता है, ठीक। नंबर फिफ्थ है इसमें फिन्स पुनर्विन्यास,
ऋण से पुनर्विन्यास, ठीक। नंबर फिफ्थ, ऋण से पुनर्विन्यास। फिनिश नामक वैज्ञानिक ने एक विन्यास दिया है जिसे फिनिश विन्यास कहते हैं। तो देखो फिनोल की क्रिया, फिनोल ये OH फिनोल, इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दो, CH3C डबल बॉन्ड में OCl, H यहां से Cl, यहां से क्या मान हो जाएगा HCl माइनस HCl, तो बेंजीन रिंग, ठीक, O C डबल बॉन्ड में O CH3, HCl बांड निकल गया, O C डबल बॉन्ड में O CH3, फिनिल एसीटेट, फिनिल एसीटेट, ठीक। अब देखो इसका पुनर्विन्यास होगा कैसे, C6H5 पहले टू नाइट्रोबेंजीन तथा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में निर्जल AlCl3, तो 333 केल्विन या इससे कम ताप पर पैरा समावेश बनेगा। H उपस्थित है यहां पर, ये H यहां चल जाएगा और ये समूह यहां चल जाएगा, क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक। एच वहां चला गया OH, ये C डबल बॉन्ड में O CH3, ठीक। 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, ठीक। और 433 केल्विन ताप या इससे उच्च ताप पर, या इससे उच्च ताप पर, ठीक। ऑर्थो बनेगा, यहां पर H उपस्थित है, H यहां चल जाएगा OH और ये C डबल बॉन्ड में O CH3, 1 2 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, ठीक। तो फिर इस पुनर्विन्यास, फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने पर फिनिल एसीटेट बनता है जो नाइट्रोबेंजीन व निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हाइड्रोजन का पुनर्विन्यास होता है 333 केल्विन या इससे कम ताप पर, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल बनता है तथा 433 केल्विन या इससे उच्च ताप पर, ये H यहां पर आ जाएगा OH, ये समूह यहां जुड़ गया, तो 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल बनता है, ठीक है।